गाइस आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट। तो ये वीडियो भी थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या हम पार्ट कह लें क्वेश्चन के हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें हर क्वेश्चन मतलब हर पार्ट को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। फर्स्ट पार्ट क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो कितना है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें ब्रेथ लेट करनी है, लेट द ब्रेथ बी एक्स। अब हमने ब्रेथ को ही क्यों लेट करा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में साफ कहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की दुगनी, वो ब्रेथ की दुगनी से एक ज़्यादा है, मतलब 2x+1। अगर हम लेट द लेंथ बी दुगनी कितनी 2x और एक ज़्यादा वन मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, ठीक है। इतना समझ आया, अब कुछ नहीं दे रखा। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखे तो हम 528 कैसे आया यहाँ पे, 528 एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है l इंटू बी, और l क्या है हमारा x और 2x+1 हमारी ब्रेथ। तो ये आ गया 528, मतलब ये थोड़ा इधर उधर कर लेना, ये हमारी लेंथ है और ब्रेथ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x² + x और ये यहाँ जाएगा तो -528 = 0, ठीक है। अब हमें करनी है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी है, देखो मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। आई होप सभी बच्चों को आता होगा, जिनको नहीं आता वो ये वाले पार्ट को ज़्यादा ज़रूर देखें। तो 2x² - 528, अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने जिन्हें प्लस माइनस, प्लस करो या माइनस करो तो एक आए, पर मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, 528 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो उतना, 528 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1056 आते हैं। ऐसे दो नंबर सोच रहे जिन्हें मल्टीप्लाई करके 1056 आए और प्लस या माइनस करने पे क्या है एक बचे, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, एनी गैसेस? तो ऐसे नंबर हो सकते हैं हमारे 33 और 34 को एक बार मल्टीप्लाई करो, नहीं 33 और 32 हो सकते हैं शायद, 3 2 6 3 2 6 3 9 9 6 1 5, हाँ। तो 33 और 32 ऐसे हमारे दो नंबर है जिन्हें मल्टीप्लाई करके 1056 आ रहा है और प्लस माइनस करेंगे तो 1x आएगा, ठीक है। तो 33x और 32x माइनस किसकी तरफ आएगा, अब हमें x को क्या चाहिए, प्लस का चाहिए, तो हम बड़े के आगे प्लस लगाएंगे छोटे के आगे माइनस। अब इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है x, तो 2x + 33 अंदर रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रिक समझाता हूँ, देखो हमें अंदर क्या बनाना है, 2x है यहाँ पे, ठीक है। हमें ब्रैकेट के अंदर 2x + 33 बनाना है, तो हम ऐसा कौन सा नंबर लें जी, इसमें से क्या कॉमन लें जो ये बच जाए। तो देखो 32 में से अगर हमें 2x चाहिए तो हमें पक्का ना माइनस का 16 चाहिए होगा, ठीक है। अब अंदर क्या x + 33 नहीं बच जाएगा, 2x है ना, क्योंकि देखो 2x और 16 कितना हो जाएगा माइनस का, सॉरी 2x और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32x आ जाएगा, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन माइनस का हो जाएगा और 16 33 = 528 होता है, ठीक है। अब इन दोनों को ग्रुप कर लेंगे। अब x की एक तो वैल्यू ये आएगी और एक क्या आएगी, ये आएगी, एक आ रही है -33/2 और एक आ रही है 16। तो इन दोनों में से आपके हिसाब से कौन सी ठीक होगी। देखो कभी भी क्या ब्रेथ मतलब कोई भी लेंथ हो क्या वो माइनस में होती है, कभी नहीं होगी। तो हमारा सही आंसर क्या है, 16, ठीक है। तो हमारी x अगर 16 आ गई तो 2x+1 मतलब हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी, 32 + 1 = 33 मीटर, ठीक है। तो हमारे ये दो आंसर आ गए, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। अब जल्दी से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना।
अब अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो ये क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर हम दो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो 306 आता है और हमें उन इंटीजर्स को निकालना है। तो इंटीजर, तो यहाँ पे हम सेकंड डालेंगे। अब कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, जो लगातार आए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, और पॉजिटिव चाहिए तो लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा, एक्स प्लस वन, क्योंकि कोई भी वैल्यू हो एक्स की, अगर हम उसमें एक और जोड़ देंगे तो क्या हमारा दूसरा नंबर नहीं आ जाएगा। लेट द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स प्लस वन। जैसे अगर मेरा आंसर वन आया एक्स की वैल्यू, तो अगर हम उसमें एक और प्लस करेंगे तो टू आ जाएगा, तो वो हमारा क्या कॉन्जिक्यूटिव नहीं हुआ, बिल्कुल होगा। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो हमारा 306 आता है। अब ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हम सॉल्व करके आ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 306 आए और प्लस, मतलब प्लस या माइनस करने पे एक आए, तो ऐसा नंबर होते हैं, देखो 12, 13, 3, 2, 6, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 6, 5, नहीं ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करें हम, अब ऐसे नंबर सोचो जिनका ये दो मल्टीप्लाई करने पे ना 6 आए, तो क्या हो सकते हैं वो, 17 और 18, 7, 8, 56 होता है, यहाँ पे 6 आ रहा है ना, ठीक है। 8, 1, 8, 13, 7, 1, 6, 1, 0, 300, बिल्कुल। तो हमारे ऐसे दो नंबर है 17 और 18, 17x और 18x माइनस 306। अब किसके आगे प्लस आएगा, बड़े वाले के आगे, ठीक है। तो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 17 प्लस 18 x माइनस 17, ठीक है। तो अब हमारा दो वैल्यू आ रही हैं, एक तो आ रही है हमारी x माइनस 17 इक्वल्स टू 0, जो हमारा 17 बनता है, और एक आ रही है हमारी x की माइनस 18। अब क्वेश्चन को अगर दोबारा याद करो तो वहाँ पे बोला था कि वो पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब माइनस 18 तो कतई नहीं होगा, हमारा 17 आंसर है। तो x की वैल्यू अगर 17 आ गई तो दूसरे वाली की x प्लस 1 है, तो मतलब 17 प्लस 1 इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजिज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड टू लाइक द टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें रोहन की मम्मी की एज दी है। अब कितनी दी है, रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है, ठीक है। रोहन अगर 1 साल का है तो उसकी मम्मी 27 साल के, ठीक है। अब उन दोनों की एज का मल्टीप्लीकेशन 3 साल बाद, जैसे आज अगर रोहन 1 साल का है तो 3 साल बाद कितने का होगा, 4 साल का होगा। तो 4 साल में, मतलब 3 साल बाद उन दोनों की एजिस को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 360 आता है। तो हमें रोहन की एज निकालनी है। तो सबसे पहले हमें मेन किसकी एज निकालनी है, तो हमें रोहन की निकालनी है। तो लेट रोहन एज बी एक्स। अब हमें उसकी मम्मी की एज कितनी दी है, लेट रोहन मदर एज बी कितनी दी है, उसकी जितनी है उससे 26 साल बड़ी, मतलब x प्लस 26, ठीक है। अब 3 years लेटर, 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी, x में 3 प्लस हो जाएंगे, है ना, यही तो होगा। अगर वो आज 1 साल का है तो 3 साल प्लस हो जाएंगे, तो 4 साल का हो जाएगा। अब रोहन मदर एज कितनी होगी, रोहन की मदर एज x प्लस 26 तो पहले ही था, अब 3 साल और जुड़ जाएंगे तो 29, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, अब बढ़ते हैं आगे। तो अब रोहन की अगर हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो उन दोनों की एज को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 साल बाद वाली एज को, तो 360 आता है, ठीक है। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो x को x से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x और प्लस 29 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 87 आएगा आई गेस, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हाँ 87 आता है, और 360 तो है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 32x इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे आंसर माइनस का 273,
273, ठीक है। अब इसमें कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमें सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब ऐसे दो नंबर बताओ जिन्हें मल्टीप्लाई करके क्या है 273 आए और बीच में 32 बचे, ये प्लस करो या माइनस करो। तो ऐसे दो नंबर हमें निकालने हैं, तो वो दो नंबर क्या हो सकते हैं? अगर आप थोड़ा सा भी मतलब दिमाग लगाएंगे तो आपको कुछ समझ आएगा कि यहाँ पे हमें 3 निकालना है लास्ट में, तो हम किन किन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 32 आना चाहिए। तो 39 और 7 63 आता है, ठीक है। 7 3 21 27, बिल्कुल सही आंसर। देखो आपको ऐसी स्पीड दिखानी है अपने पेपर में भी, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 39x, मतलब सॉरी ये करेंगे प्लस इसके आगे माइनस इसके आगे, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 39, माइनस 7 हम बाहर कॉमन लेंगे तभी तो x प्लस बचेगा 39। अब फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस का ही हो जाएगा, तो x प्लस 39 और x माइनस 7 हमारे दो ब्रैकेट बन गए। अब x की वैल्यू एक आ रही है 39 और x की वैल्यू आ रही है 7, तो कौन सी सही होगी? क्या कभी आपने एज माइनस 39 सुनी है कि आज वो माइनस 39 का हो गया? ये सुनी होगी कि वो 39 का हो गया, 7 साल का हो गया, तो मतलब ये ठीक है और ये गलत है। तो x की वैल्यू हमारी 7 आ गई। अब रोहन की मम्मी उससे कितनी साल बड़ी थी? अब हमें यहाँ प्रेजेंट एज वाली लगानी है कि वो 26 साल बड़ी थी, तो हमें 26 साल वाला जोड़ना है, ठीक है। 3 साल वाले कंसेप्ट को भूल जाओ। तो x हमारा 7 प्लस 26, मतलब वो 33 साल की है उसकी मम्मी, तो ठीक है दोनों की एज निकल गई। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या कहता है, देखो यहाँ पे मैंने इस 4 मार्क करा है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर बार पेपर्स में आता है। तो अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड टेक 3 आर मोर टू कवर सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें स्पीड निकालनी है ट्रेन की, 2 मिनट ओनली, हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड पे, अगर हम उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दें तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आखिर में, कि अगर हमें एक यूनिफॉर्म क्या करनी है, स्पीड को लेट करना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो स्पीड है क्या। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आर। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। अब उसको टाइम कितना लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम अगर हमें निकालना है तो डिस्टेंस कितना है हमारा 480 और स्पीड हमने अभी लाइट करी है x, तो यहाँ पे हमारा टाइम निकल जाएगा। अब दूसरा केस देखें, सेकंड देखें केस, तो वहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हम स्पीड कम कर दें, स्पीड आफ्टर 8 किलोमीटर पर आर लेस, तो वो हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आर। अब यहाँ पे टाइम कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? यहाँ पे टाइम लगेगा ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ हम टाइम देखेंगे तो वो बन जाएगा 480 किलोमीटर, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, अब स्पीड हमारी आ जाएगी x माइनस 8। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारी यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें अगर एक ट्रेन 480 किलोमीटर, देखो अगर हम उसकी स्पीड 8 किलोमीटर माइनस कर दे तो वो तो टाइम ज़्यादा लेगी। यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब 3 घंटे ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या ले रही थी, कम ले रही थी। तो हम कम में चीज़ जोड़ते हैं या ज़्यादा में, जैसे कि एक चीज़ 10 किलो की है और दूसरी तरफ 5 किलो की है, और हमें उन दोनों को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हम 5 किलो वाले में वजन डालेंगे या 10 किलो वाले में, तो हम किस में डालेंगे, 5 किलो वाले में डालेंगे, ताकि वो क्या हो जाए, बैलेंस। अगर हम यहाँ इक्वल्स टू का साइन लगा रहे हैं तो हमें इस वाले को सेम करना पड़ेगा, मतलब इसमें भी हमें 3 घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे यहाँ पे भी +3 लगाओ, क्यों लगाएं जब वहाँ पे -8 किलोमीटर गिरी है, तो वहाँ ऑब्वियसली टाइम तो बढ़ा ही बढ़ा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे 3 को हम यहीं रहने देंगे और 480 किलोमीटर x माइनस 8, यहाँ पे प्लस का है ये वाला, तो यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको हम इक्वेशन को सीधी करके लिख लेते हैं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 480 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा x, ठीक है। अब इन दोनों को हम एलसीएम लेंगे, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में 480, तो यहाँ क्या चलेगा डिवाइड में, इन दोनों का एलसीएम आएगा x माइनस 8 x, और ऊपर आएगा x माइनस 8, ठीक है। अब इन दोनों का हम जल्दी से एलसीएम लेंगे, तो वो आ जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 8 x, और यहाँ ऊपर हो जाएगा तो x s कट जाएगा, और यहाँ पे आएगा हमारा। अब देखो हम 8 को, ये जो चीज़ है इसको हम पहले काट देते हैं, ये कट रहा है ना 480, तो 8 x स्क्वायर माइनस 8 x इक्वल टू 160। अब ये यहाँ चले जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 को हम 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को x स्क्वायर माइनस 8 x से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1280, और यहाँ पे सेम जैसा था। अब x स्क्वायर माइनस 8 x, 1280 यहाँ प्लस का, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब आधा से ज़्यादा हमारा क्वेश्चन हो चुका है, सॉरी मैं ऊपर करना भूल गया था। अब हमें इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, तो वो होगी हमारी x स्क्वायर 1280 है ना, तो 1280 ऐसे कौन से दो नंबर है जिन्हें मल्टीप्लाई करके, तो अगर हमारा क्या आ रहा है 1280 पर प्लस माइनस करने पे 8 आ रहा है, तो ऐसे नंबर को देखेंगे। तो देखो अब आप छोटी कैलकुलेशन मत करना, अब आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने लग जाना, जैसे कि 30-40 में से, मतलब 30 की लाइन 40 की लाइन 20 की लाइन 30 की लाइन, तो अगर 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सबसे पहले 32 और 40 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 32 और 4 को करेंगे, फिर बाद में एक जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या बिल्कुल बिल्कुल जो तुक्का हमारा सही गया, यहाँ पे 40x और यहाँ पे 32x, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, x कॉमन आ जाएगा x माइनस 40 प्लस 32, यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस ना, तो एक ब्रैकेट हमारा ये बन जाएगा और एक हमारा ये बन जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, तो पीछे हमारे ब्रैकेट क्या बन रहे थे, x प्लस 32 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो क्या कभी भी कोई स्पीड माइनस में हो सकती है, अगर वो रिटार्डेशन ना करके एक्सेलरेशन मोड में है, मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड में है, तो क्या वो कभी भी माइनस में हो सकती है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, वो रिटार्डेशन नहीं कर रही, वो पीछे रिवर्स को नहीं जा रही है, स्पीड कम नहीं कर रही, वो आगे को जा रही है, तो हमेशा वो पॉजिटिव में होती है ना कि नेगेटिव में होती है। तो एक्स हमारी क्या आ गई 40 किलोमीटर पर आर पर, ठीक है। तो इसी साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है और ये क्वेश्चन के सारे पार्ट भी खत्म होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को करना सब्सक्राइब, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए पढ़ाई से रिलेटेड, मतलब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, अगली एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में से शुरू कर देंगे। तब तक लेट टेक ऑफ योर एंड योर फैमिली, बाय बाय।